क्या है? सेड या सेट टू होगा तो किसमें हो जाएगा? आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वॉन्टेड टू नो. अब देखो ये आस्क्ड, ये इंक्वायर्ड और ये वॉन्टेड टू नो. हम बेटा माइक म्यूट करिए सब लोग. एवरीवन म्यूट योर माइक. नाउ सेड और सेट टू हमारा अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वॉन्टेड टू नो. अब देखो ये जो हमारा चेंज होगा सॉरी ये हम चेंज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि सेंटेंस में हमें क्या कमांड मिल रहा है. बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर इंक्वायरी हो रही है और वहां पर हमने आस्क्ड लगा दिया. ये चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, फिर देखो डोंट यूज दैट. इसमें दैट नहीं यूज करते हैं इंटेरोगेटिव में. बात समझ आ रही है? यस मैम, अभी अभी यस मैम. बाकी सब में दैट यूज होगा, इंटेरोगेटिव में दैट नहीं यूज होगा. अगर यस नो टाइप का है हमारा, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो राम आस्क्ड आर यू अ गर्ल, तो आप यस नो में ही जवाब दोगे ना, कि राम ने पूछा क्या तुम लड़की हो, तो बोलोगे हाँ मैं लड़की हूँ, है ना. यस मैम. तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर. ठीक है, और डब्ल्यू एच टाइप में हम डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करेंगे, मतलब व्हाट, हु, व्हेन, वेयर. ठीक है, बात समझ में आई रूल्स? यस मैम. यस मैम. मैम थर्ड पॉइंट समझो. थर्ड पॉइंट है अगर आपके क्वेश्चन का कमांड जो है वो यस और नो में आंसर दे रहा है, तो आप वहां पर इफ या वेदर का यूज करोगे. बात आई समझ? यस मैम. एग्जांपल देखो, रोहन सेड टू विवेक आर यू प्लेइंग, तो ये हाँ या ना में जवाब देगा ना, है ना. यस मैम. यस मैम. तो सेड टू की जगह क्या हो गया रूल के अकॉर्डिंग? आस्क्ड. क्योंकि इसमें रोहन पूछ रहा है विवेक से, है ना. यस मैम. तो रोहन आस्क्ड विवेक. यहाँ पर आप इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, इफ यू देखो, अब यहाँ पर देखो आर यू प्लेइंग का क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें इसको पास्ट में चेंज करना है ना. यस मैम. हाँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना. रोहन आस्क्ड विवेक इफ ही वॉज प्लेइंग. ठीक है, बात समझ आई? क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग तो अगर होता है ना, यदि. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? देखो यहाँ पर है रोहन पूछ रहा है विवेक से क्या तुम खेल रहे हो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यस नो है, तो रोहन आस्क्ड विवेक, रोहन ने विवेक से पूछा कि तुम खेल रहे हो, कि क्या तुम खेल रहे हो, इफ या वेदर. ठीक है, ये चीज यहाँ पर यूज होगी. दोनों सेम ही है मीनिंग. यदि कह लो या क्या कह लो, बात तो एक ही है ना. क्या हम तब कहते जब हमारे क्वेश्चन में भी डब्ल्यू एच होता, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू एच नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? इफ या वेदर का यूज किया. बात समझ में आई? यस मैम. यू का ही क्यों बनाया? यू का ही क्यों बनाया है, मतलब यू का तो योर होता है ना. ये कौन बोल रहा है? ये कल वाला ही बच्चा है जिसने कल क्लास अटेंड की थी मेरी. यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है हमने? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. पहले इसको समझो, रोहन किससे बात कर रहा है? विवेक से. तो विवेक क्या है, सेकंड पर्सन है हमारा. जी. yes, ma'am. तो हम विवेक की बात करेंगे तो फिर यहाँ पर ही आ जाएगा ना. यू तो आएगा नहीं, तुम की जगह वाह हो जाएगा. yes, ma'am. Yes, ma'am. बात समझ आई कि यू को ही क्यों किया है? क्योंकि जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं तुम, लेकिन जब हम पास्ट में किसी को बता रहे हैं तो वह हो जाएगा. बात समझ आ रही है? फिर थर्ड पर्सन हो जाता है. जो यहाँ पर सेकंड पर्सन है वो पास्ट में थर्ड पर्सन हो जाएगा. बात समझ आई? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सेकंड है हमारा द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर. अब देखो यहाँ पे भी है कि रोहन सेड टू विवेक, यहाँ पर भी है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, है ना. टीचर स्टूडेंट से ही तो बोल रही होगी.
लेकिन यहाँ पर asked लगाया है, यहाँ पर inquired लगाया है, बताओ difference इसमें क्या है? मैम क्योंकि वो किसी चीज के बारे में पूछ रही है ना, इंक्वायरी कर रही है। हाँ देखो ये चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर द टीचर आस्क्ड लिखेंगे तो वो सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो yes, क्या हो जाएगा, द टीचर इंक्वायर्ड, व्हाट की जगह डब्ल्यू एच आ जाएगा, द की जगह द, मैटर की जगह मैटर इज, ठीक है। द टीचर इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर इज, बात समझ में आई? Yes, इफ और वेदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा अभी देखो भाई, अभी रूल बताया ना कि अगर डब्ल्यू एच होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में भी डब्ल्यू एच ही आएगा, है ना? ओके यस मैम। तो यहाँ डायरेक्ट में डब्ल्यू एच है मतलब वॉट है, तो इनडायरेक्ट में भी वॉट रहेगा। यहाँ पर आंसर में हमको डायरेक्ट में हमको डब्ल्यू एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। बात समझ आ गई? यस मैम। चलो इंटरोगेटिव इतना ही था, ठीक है। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आस्क्ड या टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ टू, ठीक है। बात समझ आ रही है? मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, सिर्फ एक सेकंड। यस मैम, बस मैम। सैंपल के स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? मैम समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। देखो रिक्वेस्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अगर कहीं रिक्वेस्ट मतलब लिखा नहीं होगा रिक्वेस्ट, आपको समझना होगा कि वहां पर रिक्वेस्ट हो रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है। बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। अगर हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट मोड पर सेंटेंस है तो वहां पर क्या लग जाएगा, आस्क्ड। आस्क्ड। और अगर हमारा सेंटेंस ऑर्डर मोड पर है, किसी को ऑर्डर देने पे, तो टोल्ड। और अगर आपके रिमूव प्लीज का मतलब है, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज होगा तो इनडायरेक्ट में वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यस मैम। जैसे माय सिस्टर सेट ओपन द डोर, माय सिस्टर सेट ओपन द डोर, तो माय सिस्टर आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, मेरी बहन ने मुझसे कहा, है ना? रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर, रिक्वेस्ट हो रही है क्योंकि हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, है ना? यस मैम। तो माय सिस्टर सेड ओपन द डोर, तो माय सिस्टर आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, यहाँ भी दैट का यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ना इंटरोगेटिव में दैट का यूज हुआ है, ना इंपेरेटिव में दैट का यूज हुआ है। बात समझ आ रही है? यस मैम। अब देखो। यस मैम। यार तो इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाया, तो एक सेकंड, चलो ये वाला भी देखो। माय मदर सेड, मैंने यहाँ पे, तुम लोग इसका इनडायरेक्ट बताओगे, ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। माय मदर सेड प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बताओ इसका इनडायरेक्ट बताओ। फरीन बताइए, आपने हैंड रेस किया। माय मदर सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज हट जाएगा। माय मदर आस्क्ड हिम, बताओ जरा फिर, इन्होंने सही बताया है, बताइए। बोलो भाई। माय मदर आस्क्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। मैम रिपीट करना क्या बोला आपने? माय मदर आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर पूजा सेड डोंट आंसर द फोन, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, पूजा ने बोला फोन मत आंसर करना, फोन मत उठाना, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे, यहाँ पर तो हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर सेट की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड मी, टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पर मी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई और सेकंड पर्सन नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकंड पर्सन हम खुद है, है ना। Yes, अगर यहाँ पर कोई और होता तो उसके हिसाब से होता यहाँ पर। अब देखो यहाँ डोंट की जगह क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है, नॉट टू आंसर दी फोन, पूजा टोल्ड, यहाँ पर हमें ऑर्डर दे रही है ना पूजा, इसलिए हम टोल्ड यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरी? Yes, ma'am. चलो चलो, हमें तो पैसिव वॉइस की तरह है ना, क्या पैसिव वॉइस की तरह है थोड़े थोड़े बेटा, ग्रामर पूरी सब एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, ठीक है, बस टेंसेस नए लगते हैं, बाकी सब एक ही जैसा लगता है। चलो फिर बात आती है हमारी बेटा माइक म्यूट करो तो जरा, कौन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं सेड या सेड टू को किससे, किससे रिप्लेस करेंगे हम, अगर हमारा हुर्रे है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेशंस और एक्सप्रेशंस की बात हो रही होती है ना। यस मैम। हुर्रे है मतलब जॉय, तो क्या लिख देंगे वहां, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ब्रावो है तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ओह है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, व्हाट या हाउ है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइजिंग होता है ना ये, अगर हम कहते हैं व्हाट, व्हाट आर यू सेइंग, सरप्राइज होते हैं ना उस टाइम पे हम, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर आपके डायरेक्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो हट करके सिर्फ फुल स्टॉप बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे देखो डायरेक्ट में है, प्रीति सेड हुर्रे वी वॉन द ट्रॉफी, प्रीति ने कहा अरे वाह हम तो आज हम ट्रॉफी जीत गए, हुर्रे खुशी को करता है ना जॉय, तो प्रीति सेड हट जाएगा, आ जाएगा हुर्रे है तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब देखो यहाँ पर दैट आएगा, ठीक है गाइस, दैट अभी कहाँ आया, पहले डिक्लेरेटिव में आया था और अब एक्सक्लेमेटरी में आया है, है ना, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव में नहीं है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हम लोग सेक्शन वाइज कर रहे हैं, अभी जब हम कल आपका टेस्ट लेंगे ना, इसका एक्सरसाइज करवाएंगे, तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी समझने में, इसलिए अभी से समझ के चलो। कल टेस्ट लोगे मैम? कौन बोला बीच में, नवीन कौन था ये भाई, नाम तो बताओ, नाम नहीं बताओगे मैम, डर गए हो, अरे इतनी भारी आवाज भी नहीं है मेरी, चलो कोई बात नहीं, इसको समझा ले फिर हम इनसे बात करते हैं। प्रीति सेड, प्रीति ने कहा हुर्रे वी वॉन द ट्रॉफी, हुर्रे का भी हम लोग ने नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी, यहाँ पे शी क्यों आया है, सॉरी गाइज ये मेरे से मिस्टेक हुई है, शी नहीं होगा ठीक है, यहाँ पर वो मेरे से मिसटाइप हो गया, दैट वी है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा ना, यस मैम, वी का हो जाएगा दे। गाइज प्लीज इस शी को अभी तो मैं नहीं सही कर सकती, शी को तुम लोग मत करना ठीक है, ये मेरे से मिसटाइप हुआ है। प्रीति एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वॉन द ट्रॉफी, ठीक है मैम, यहाँ पे दे भी है और शी भी, नहीं बच्चे वही तो मैं कह रही हूँ ना कि शी मेरे से मिस टाइप हो गया है, ठीक है मैम, वो ठीक है मैम, इसमें दैट क्यों आया बाद में, दैट रूल है ना, जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट लगता है, है ना। अब देखो फिर यहाँ पर है ही सेड ब्रावो यू डिड वेल, ब्रावो आया है तो किसी को शाबाशी दी है, तो he exclaimed with applause that I had done well. I had क्यों आया, समझ में आ गया? I had done. Yes, ma'am.
फिर हमारा रिया सेड व्हाट अ डर्टी रूम. देखो जहां पर ये आएगा ना, मतलब कि क्या था, व्हाट और हाउ. व्हाट और हाउ, ठीक है. यहाँ पर हम अपने गंदे एक्सप्रेशंस दे रहे, मतलब एक तो सरप्राइज भी हो सकता है. देखो यहाँ पर कोई सरप्राइज तो हो नहीं रहा है ना. यहाँ पर डिस्कस्टिंग सी चीज हो रही है कि कितना गंदा रूम है. तो हम क्या यूज करेंगे, रिया एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ट दैट द रूम वॉज वेरी डर्टी. बात समझ आ रही है. रिया एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ट दैट द रूम वॉज वेरी डर्टी. चलो ये वाले अब देखो, लास्ट बचता है क्या हमारा, ऑपरेटिव सेंटेंसेस. ऑपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, से और सेड, सॉरी सेड और सेड टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड, प्रेड, बेड या कर्स्ड. गाइस बेड का मीनिंग बताओ क्या होता है. किसका मैम, बेड, बेड, बी ए डी ई, बेड, बताइए जल्दी बताइए. नहीं पता मैम. मैम नहीं पता. हाँ ये नहीं पता. हमारे वो है ना, कर्स्ड का मीनिंग क्या होता है. अच्छा चलो ये बता दो, कर्स्ड का मीनिंग क्या होता है. ताना मारना. हाँ ताना मारना. श्राप देना. हाँ बेटा क्या बोल रहा है, कोई तो बोल रहा है, वॉइस लैग कर रही है. मैम रूड श्राप देना होता है, वर्ब है. ताना देना होता है ना. हाँ श्राप देना होता है, कर्स्ड का मतलब. बेड का बताओ. कोई कह रहा है रूड, सही है. बेड सही है. ये मीनिंग रूड बड़ा होता ना. अरे बड़ा क्या है, किसने गूगल किया भाई, गूगल किया है क्या किसी ने. स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को मेरी. आस्क होता है. आस्क सिनोनिम में आस्क होता. हेलो. अरे मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई. आस्क सिनोनिम इसका B-A-D-E का. बेड, बेड का मतलब ग्रीटिंग ऑफ ए फेयरवेल, मतलब फेयरवेल. अभी हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं इसका. रुक जाओ मैं यहाँ पे बता दो बेड का मीनिंग. हम नहीं बताएंगे यार, इतनी छोटी छोटी चीजें हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं, खुद दिमाग लगाओ. ऑर्डर करना बड़ा मैम. और गूगल करो. ऑर्डर करना डायरेक्ट रिक्वायर बुरा होगा. मैम आशा कमांड. बेड का मतलब कमांड. मैम जब कोई गुड बाय बोलेगा तो उसकी जगह बेड का यूज करेंगे. और अगर गुड मॉर्निंग बोलेगा तो विश. और गुड नाइट बोलेगा तो बेड का यूज नहीं कर सकते हम. हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नहीं इसका बताओ मीनिंग चाहिए. कमांड, कमांड एक्सप्रेशन सब सिनोनिम बता रहे. राइट वर्ड चार्ज. चार्ज चार्ज चार्ज. चलो अभी ये इसका मीनिंग हम नहीं बताएंगे, तुम लोग खुद ही ढूंढ के मुझे बताओगे इसका. चलो सेकंड रूल है, में प्लस सब्जेक्ट अगर है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस माइट. देखो इस बात को समझो. माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करिए एवरीवन. अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हमारा में प्लस सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वो वहां पर माइट हो जाएगा. ठीक है. अगर इनडायरेक्ट में आई विश है तो वो हो जाएगा वर या सॉरी आई विश या वर है तो हो जाएगा हैड बीन. ठीक है.
सेंटेंस समझोगे तो समझ में आएगा ज्यादा। एग्जाम्पल देखो, वी सेड टू हिम कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस कब करते हैं हम? जब कोई चीज कामना दे रहे हैं ना, विश कर रहे हैं ना, तो सेड टू की जगह क्या आ गया? विश्ड। वी विश्ड हिम कंग्रेचुलेशंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। बात समझ में आई मैम? बोलो मैम, बेड का मतलब विश? हाँ, काइंड ऑफ। यहाँ से देख के समझी? ही बेड गुड नाइट? नहीं मैम। विश करना, कमांड करना, हम इसको बहुत सी जगहों पर यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बात समझ आ गई? चलो फिर है हमारा ही सेड गुड नाइट। तो हमने यहाँ पर सेड की जगह बेड लिख दिया, ठीक है? ही बेड गुड नाइट, क्योंकि हम यहाँ पर अगर विश्ड लगाते तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, हम कोई शुभकामना थोड़ी दे रहे हैं उसको, हम कह रहे हैं उससे ही बेड गुड नाइट, ठीक है? बात समझ आ रही है? फिर डायरेक्ट है शी सेड मे यू लिव लॉन्ग। देखो मे आया है ना, मे और यू आया यहाँ पर, तो शी प्रेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज होगा? देखो गाइस, ये सारा जो ये सब जो यूज होना है, ये तुमको सेंटेंस का कमांड समझ के यूज करना पड़ेगा, ठीक है? शी प्रेड दैट, यहाँ पर दैट लगेगा, ठीक है? आई माइट लिव लॉन्ग। वाह, लो लिख दिया, लिव लो। वाह मैम, ऊपर तो किसी में दैट लगाया नहीं, फिर नीचे वाले में क्यों लगा दिया? यहाँ पर लगेगा दैट, ठीक है? यहाँ पर अगर आपका मे है तो उसमें दैट लग जाएगा, ठीक है? बात समझ आ रही है मैम? आपने वो वाले फिल्म में तो डाला नहीं, क्या डालना होगा? इसके पहले वाला, इसके पहले वाले पेज में क्या लिखा? प्रेड दैट लिखा तो है, अगर हमारा प्रेड है तो दैट लगेगा, ये लिखा तो है मैंने, दोनों में वही आएगा मैं। नहीं बच्चे देखो, अभी वो मैंने गलत बोल दिया आपसे, देखो मैं से नहीं हम देखेंगे, अगर हमने प्रेड यूज किया है इनडायरेक्ट में तो वो दैट यहाँ पर लगेगा। बात समझ आ रही है? यस मैम। देखो दैट का यूज हमने कहाँ कहाँ किया है? खाली डेक्लेरेटिव में किया है, और किस में किया है? प्रीवियस वाले में किया है। किस में किया है? और एक एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी और डेक्लेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ दैट का यूज हुआ है इनवर्टेड कॉमा हटने पर, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। बात समझ आई? यस मैम। बाकी दैट आप सिर्फ वहां यूज करोगे ऑप्टेटिव में जहां पर प्रेड वर्ड आएगा। ये भैया कौन बोल रहा है? अब डाउट पूछो, किशन पूछो, किशन माइक म्यूट करिए। हेलो, सॉरी माइक अनम्यूट करिए। हाँ बोलो मैम। क्या है, मैं अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो मैंने अभी क्लास नहीं लिया आधे घंटे पहले की। अब बताओ क्या किया जाए फिर? हेलो, फिर से समझाए पूरी। हेलो हेलो किशन, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम। किशन आपको मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? मैम मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मैं आधे घंटे की क्लास नहीं ले पाया हूँ। ओके किशन, मैम एग्जांपल आप दे दो, एक्सरसाइज करनी है, कौन सा करना? रुक जाओ किशन। हम्म, यू विल गेट दी रिकॉर्डेड क्लास, ओके? डोंट वरी, आप रिकॉर्ड करोगे वो वाला, देखना ठीक है? उसमें कोई डाउट होगा तो फिर मुझे बताना, ठीक? बात समझ आ गई किशन? समझा नहीं मैम। किशन आपको इस पूरी क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लिंक उसका, रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है? वो देखना, नहीं समझ आएगा कुछ तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। वो तो मैम मैं पूछ लूंगा, मगर लिंक का व्हाट्सएप पे आएगा कैसे?
वो आप तक प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी. ओके ठीक है चलो. हाँ तो अब हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है यार, एक बात बताओ ये कौन से लोग हैं जो 15 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं, मैं ये नहीं समझ आ रहा. इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए क्या आज? मैम हाँ जी बोलिए. मैम टाइमिंग चेंज हो सकती है क्या? कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ मैम. नाम बताओ. किशन. यस मैम. क्या बच्चे टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम हो गई? मैम एक्चुअली क्या है, थोड़ा लेट वहाँ से छुट्टी हो रही है मेरी. कहाँ से? जॉब पे से. किशन प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे, मेरे पास सिर्फ यही टाइम फ्री है मैम, देखो तो और भी क्लासेस लेनी होती है ना, क्योंकि देखो इसके बाद भी मेरा 10 बजे तक क्लास चलता है, 8 से 10. मेरा आफ्टरनून में भी चलता है, आफ्टरनून में बहुत से लोग फ्री नहीं होंगे बैच में यहाँ पर, तो क्लास का टाइम तो बेटा यही अवेलेबल है मेरे लिए. मार्च तक तो कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते बेटा, सॉरी. मैम मैं कैसे करूँ फिर? आप कैसे करोगे? देखो आपको आप मतलब कितने बजे आपका ऑफ होता है? मैम वैसे तो 6:30 तक आ जाता था, मगर अभी थोड़ा सा काम है तो इस वजह से मैं 7:30 बजे तक आ पाता हूँ. अच्छा अच्छा किशन, हम इस पे डिस्कस करके आपको बताते हैं ठीक है, बाकी लोगों से ठीक है. मैम हमारे भैया आदर्श वॉइस बहुत लैग हो रही है. रिकॉर्डेड वीडियो होती है क्या? हाँ जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमारी क्लासेस होती है इवनिंग में तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो सेशन होता है वो यूट्यूब पे होता है? नहीं सारे सेशंस नहीं होते बच्चे, सारे सेशंस नहीं होते आदर्श ठीक है. यस मैम आज हम न्यू जुड़े हैं. कौन है बेटा, नाम बताइए. वंशिका. वंशिका यस यस मैम. तो वंशिका आपका क्या स्टैंडर्ड है? मैम बीए सेकंड ईयर कर रही है मैम. ओके ठीक है, समझ में आया वंशिका? यस मैम समझ आया. हाँ जी मैम समझ गया. एग्जांपल तो आपने दिया नहीं मैम इसकी. कोमल किसका एग्जांपल नहीं दिया? एक्सरसाइज जैसे मुझे करनी है भैया, कल टेस्ट लेंगे कल. अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं एक बार नए बच्चे से बात कर लूं. वंशिका आर यू फ्रॉम डीयू? नो मैम. मैम टेस्ट संडे को ले लीजिए ना. संडे को मैं क्लास. मैम 5 आपने पढ़ाया, डिक्लेरेटिव एक्सक्लेमेटिव इंटरोगेटिव. हाँ तो बच्चे 5 ही होते हैं ना, तो 5 ही तो पढ़ाएंगे. तो मैम उसके एग्जांपल आप पीडीएफ सेंड कर दो. वाह रिवाइज के लिए. वाह भैया खुद से मेहनत करो भाई, कुछ हम क्यों सेंड करें? पीडीएफ उसमें जो सर्च करती हूँ तो उसमें